हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्मण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्मिंग के दक्षिण हस्त नियम के बारे में। अच्छा बताइए, आपको ये कौन सा नियम था जो आपको बताए थे पिछले वीडियो में? ये कौन सा नियम बताए थे आपको? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। आज हम बात करेंगे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के बारे में। आज दाएं हाथ के नियम के बारे में आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम क्या कहता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि क्या कहता है। हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि या तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है करेगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर क्या करेगी? संकेत करेगी। तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा दर्शाती है। इसे ही फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपने दाएं हाथ के तीन अंगुली लेंगे। पिछले वीडियो में आपसे बात भी किए थे, बाएं हाथ लिए थे, इसमें दाएं हाथ लेंगे। दाएं हाथ के तीन अंगुली देखिए, ये क्या है? अंगूठा है। इसको क्या बोलेंगे? अंगूठा। ये क्या आपका? तर्जनी। ये क्या आपका? मध्यमा। इन तीनों अंगुली को हम क्या करेंगे? परस्पर इस प्रकार फैलाएंगे कि तीनों परस्पर क्या हो? लंबवत हो। मतलब इसके बीच का जो कोण हो 90 डिग्री हो, इधर भी क्या हो 90 डिग्री कोण बने। तो परस्पर क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। दाएं हाथ की तीन उंगली, वही यहां पे कह रहा है हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे पर क्या हो? लंबवत हो। जब वह एक दूसरे पर लंबवत होगा तो तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करेगी, मध्यमा जो है धारा की दिशा की संकेत करेगी, तो अंगूठा जो अंगूठा या बार अंगूठा जो बता रहे हैं, अंगूठा चालक की गति की दिशा की क्या करेगी? संकेत करेगी। एक बार देख लीजिए, यहाँ आपको चित्र में समझाने के प्रयास किए हैं, हम उतना अच्छा चित्र नहीं बना पाते हैं, तो एक आपको समझाने के प्रयास किए हैं। देखिए, ये क्या है आपका? अंगूठा है। ये क्या आपका? अंगूठा है। ये किसकी दिशा की ओर संकेत करेगी? चालक की गति की दिशा की ओर। चालक की गति की दिशा की ओर क्या करेगी? ये संकेत करी। कौन? अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर। दूसरा देखिए, ये जो तर्जनी है, तर्जनी तर्जनी जो आपका किसको सूचित करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की। तर्जनी किसको संकेत करेगी? चुंबकीय क्षेत्र को। और ये जो मध्यमा है, ये मध्यमा किसको संकेत करेगी? चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की ओर क्या करेगी? संकेत करेगी। यही है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो इसका एक दो बार आप इस परिभाषा को पढ़िए, बस याद रखिए। तर्जनी तर्जनी किसको सूचित करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करेगी। अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर, अंगूठा चालक की गति। तथा मध्यमा जो है, मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा की ओर क्या करेगी? ये संकेत करेगी। इन सब चीजों का आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ताकि जो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, मध्यमा चालक प्रेरित धारा की दिशा की ओर। इन चीजों को आप देख सकते हैं, गति क्षेत्र प्रेरित विद्युत धारा। तो इस प्रकार हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम को बड़ी सरलता से समझ गए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।